हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। कॉमर्स की पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए और बाकी सारे यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए भी। तो इस टॉपिक को हम अच्छे तरीके से करेंगे एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और जो बेल आइकन है इसको दबा दो ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। किसी भी तरह के एग्जाम नोट्स, सॉल्व असाइनमेंट्स या फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर जो है 8101065300, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने कॉमर्स की पाठशाला का ऐप लॉन्च कर दिया है, तो आप तुरंत जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप अपने वहाँ पे जो लॉगिन है वो बहुत ही फ्री है। लाइक वहाँ पे आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, आप लॉगिन कीजिए, अंदर जाइए। अगर आपको कोई कोर्सेज पसंद आती हैं तो आप उनको ले सकते हैं, अगर नहीं पसंद आती हैं तो इट्स ओके। ठीक है, तो कॉमर्स की पाठशाला का ऐप लॉन्च कर दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, चलते फिर हमारे अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लेन। अच्छा, आर में बीच में आर आर देना मैं भूल गया, खैर कोई नहीं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं और उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये लेक्चर, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, मैं इन जनरल पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि देखो, जब भी कोई प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं हम, जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो वो जो सारे फैक्टर्स हैं जिसका सम्मिलित होना किसी भी प्रोडक्ट के बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। जैसे देखो, मुझे अगर एक कार बनानी है तो मुझे क्या क्या लगेगा। मुझे एक जगह लगेगा, डेफिनेटली मुझे एक लैंड लगेगा जहां पे मैं उस कार को तैयार करूंगा, है ना। दूसरा क्या लगेगा, हमें लेबर लगेगा उस कार को तैयार करना। मैं अकेले तो तैयार कर नहीं पाऊंगा, मुझे वहां पे लेबर की आवश्यकता है, तो मैं वहां पे लेबर लेकर के आ गया। ठीक है, तीसरा मुझे लगेगा कैपिटल। कैपिटल का नाम आपने सुना होगा, विदाउट कैपिटल आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिना पैसों के आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो कैपिटल यहाँ पे लगेगा, है ना। उसके बाद आपका हो गया जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, जो आपकी एक सोच होती है कि नहीं, अगर मैं इस प्रोडक्ट को बनाऊंगा तो ये मार्केट में एक तरीके से कुछ बड़ा करेगा और हमारा जो है सेल बढ़ेगी, कार कार की। जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात हो रही है तो लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को ये लगता है कि आने वाले समय में सारी की सारी जो भी डीजल एंड पेट्रोल कार्स हैं उनको सबसे रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय द आपका ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कार्स। ठीक है ना, सो दैट इज व्हाई पीपल आर इन्वेस्टिंग देयर लॉट ऑफ मनी इन दैट प्रोजेक्ट, राइट। तो प्रोडक्शन में ये सारे फैक्टर्स होते हैं, इन्हीं के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर देखते हैं। नाउ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द नेचर प्रोवाइडेड अस फ्री ऑफ कॉस्ट विद ओनली अ लिमिटेड रिसोर्सेज व्हिच आर इनसफिशिएंट फॉर सेटिस्फाइंग ऑल आवर वांट्स। तो हम लोगों को, सभी को पता है, हम लोगों ने 11th 12th में भी ये बात पढ़ी थी कि नेचर ने बहुत सारी चीजें हमको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई हुई है। उसमें से अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है अगर देखा जाए, लेकिन आपको उन्हीं रिसोर्सेज में आपके जितने भी सारे वॉन्ट्स है उनको आपको सेटिस्फाई भी करना है, वो भी आपको कोशिश करना है कि उससे आपके जितने भी सारे वॉन्ट्स है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन हमारे जो वॉन्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अनलिमिटेड है और हम कोशिश करते हैं कि उन सबको सेटिस्फाई करने की, बट फिर भी जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास इनसफिशियंट हैं। सो अकॉर्डिंगली देयर अवेलेबिलिटी हैज टू बी इंक्रीज्ड फॉर सेटिस्फाइंग एडिशनल वॉन्ट्स। तो इसीलिए अगर आपको अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना होगा। ठीक है, यू कैन ऑल्सो से दैट दीज रिसोर्सेज हैव टू बी प्रोड्यूस्ड। तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि इन सारे रिसोर्सेज को हमें क्या करना होगा, प्रोड्यूस करना होगा, बनाना होगा। ठीक है ना, इन इकोनॉमिक्स द टर्म प्रोडक्शन इंप्लाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरियस इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, देयर बाय इंक्रीजिंग द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ द इनपुट्स। तो यहाँ पे सिंपल सा एक डेफिनेशन दिया हुआ है, आप इसको ध्यान दो। प्रोडक्शन इंप्लाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरियस इनपुट्स, जो भी इनपुट्स आप दे रहे हो वहां पे, प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि जो इनपुट्स आप दे रहे हो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और वो आउटपुट्स में क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और उस आउटपुट में जो चीजें क्रिएट हो रही हैं वो आपकी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी वाले इनपुट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास रॉ मटेरियल है, मेरे पास स्टील है सपोज, तो स्टील से मैं बर्तन बना सकता हूँ। तो जब मैं उस स्टील से बर्तन बनाऊंगा तो बर्तन मेरे लिए क्या हो गया, मेरा वांट सेटिस्फाइंग एक प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि मुझे अगर खाना खाना है तो मुझे बर्तन में खाना खाना होगा, राइट। तो वो भी एक तरीके से मेरा लिए इनपुट है,
जो बन करके आ रहा है वो भी मेरे लिए इनपुट है जिसके जरिए मैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। तो प्रोडक्शन का मतलब यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरियस इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, देयर बाय इंक्रीजिंग द वांट सेटिस्फाई कैपेसिटी ऑफ द इनपुट्स। जो आपने इनपुट्स डाला था उससे आपका, देखो स्टील से सिर्फ आपका वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी उसका कुछ नहीं है। स्टील अगर आपके पास है तो उसका इस्तेमाल आप कहां ही करोगे, लेकिन जब आप उसको किसी शेप में बना दोगे, जब आप उसको प्रोड्यूस करोगे, जब आप उसमें कुछ प्रोडक्ट बनाओगे, तो इससे क्या होगा, आपका जो वांट सेटिस्फाइंग नीड है वो आपका पूरा हो पाएगा। जैसे आपको खाना खाना है तो खाना खाने के लिए आपने स्टील के बर्तन बनवा लिए, है ना। आपको कोई चीज प्रोडक्ट बनाना है जिसमें स्टील का उपयोग होता है तो आपने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए स्टील का इस्तेमाल कर लिया। तो आपका इनपुट यहाँ पे क्या है, स्टील है, और आउटपुट क्या है, वो प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट से आप अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हो। ठीक है, आइटम्स विच आर ट्रांसफॉर्म्ड आर कॉल्ड इनपुट्स व्हाइल आउटपुट इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ इनपुट्स। सिंपल सी बात है, जो आइटम ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं उनको हम इनपुट्स बोलेंगे, और जब ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो चीजें हमें निकल करके आती हैं वो उसको हम आउटपुट बोलेंगे, और जो आउटपुट होता है वो इनपुट का ही ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन होता है। अ पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन इज प्रोडक्शन इफ द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ द आउटपुट इज मोर देन दैट ऑफ इट्स इनपुट्स, है ना। सो एक पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा एक प्रोडक्शन का, उसकी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी तभी हम निकाल पाएंगे जब वो प्रोडक्ट, जब वो चीज जो है किसी प्रोडक्ट में एक तरीके से तैयार हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था स्टील का, स्टील का इन जनरल इस्तेमाल है बट उतना इस्तेमाल नहीं है जब तक कि आप उसको किसी प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म ना कर दो, राइट। तो वही बात यहाँ पे बोलने की कोशिश की जा रही है। नाउ यू मे आस्क दैट यूटिलिटी व्हाट यूटिलिटी इज, तब आपके दिमाग में आएगा कि सर यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज का वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर फोन है तो उस फोन के जरिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेजेस भेज सकते हो, इंटरनेट तो कर ही रहे हो, राइट। तो यूटिलिटी का मतलब हो गया कि किसी भी प्रोडक्ट का जो जिस चीज के लिए आपने लिया था वो आपकी यूटिलिटी पूरी हो रही है उस प्रोडक्ट के माध्यम से, है ना। देखो यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ इकोनॉमिक्स के माध्यम के हिसाब से जो है डेफिनेशन है, यूटिलिटी मीन्स द एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन विच द कंज्यूमर्स हैव टू डिराइव फ्रॉम द यूज ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना, जो भी वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज आप इस्तेमाल करते हो उससे जो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसको हम यूटिलिटी कहेंगे। ठीक है ना, मैंने फोन खरीदा, मुझे उम्मीद है कि मुझे फोन से बहुत सारे चीजें जो है मुझे करने में आसान हो जाएंगी, तो ये क्या है, ये मेरे लिए एक यूटिलिटी है, राइट। मैं उसको यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। यूटिलाइज वर्ड आपने काफी सुना होगा, ठीक है ना। सो ये होते हैं प्रोडक्शन और यूटिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया। अब फैक्टर्स के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन पढ़ के भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें फैक्टर्स क्या क्या लगने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको लगेगा लैंड। देखो किसी भी चीज को बनाने के लिए आपको एक जगह चाहिए जहां पे आप उस चीज को तैयार कर सको, ठीक है ना। किसी और के जगह पे तो आप उसको तैयार करोगे नहीं, अगर आप करोगे तो फिर आपको चार्जेस पे करनी पड़ेंगी, है ना। तो आप क्या करोगे, लैंड एक्वायर करोगे, एक्वायर करने के बाद आप वहां पे अपने प्रोडक्ट्स को तैयार करने की कोशिश करोगे ऑन दैट पर्टिकुलर लैंड। तो सबसे पहले तो आपको लैंड चाहिए, है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टर्म लैंड डज नॉट रिप्रेजेंट जस्ट अ एरिया अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, फैक्ट्रीज, हाउसेस, रोड्स एक्सेट्रा, इट इज यूज्ड इन मच ब्रॉडर सेंस। अब देखो यहाँ पे लैंड का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि कोई एरिया जहां पे आप खेती कर सको या फैक्ट्री डाल सको या फिर घर डाल सको या रास्ते आप बना सको, लैंड का मतलब सिर्फ ये नहीं हो सकता। लैंड जो है वो उसका एक ब्रॉडर सेंस में आपको उसको देखना पड़ेगा। मैं अगर छोटा सा एग्जांपल दूं कि लैंड सपोज आपने किसी रिमोट इलाके में ले लिया, वहां पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी लाइक आपने प्रोडक्शन तो कर लिया लेकिन आप प्रोडक्शन को किस तरीके से मार्केट तक लेकर के जाओगे, है ना। तो लैंड भी किसी ऐसे जगह पर लेना पड़ेगा जहां पे सारी चीजें अवेलेबल हो। आपको आपके पास पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो लैंड का मतलब ये सिर्फ नहीं होता कि कल्टीवेशन का कोई लैंड हो गया, फैक्ट्री का लैंड हो गया, हाउस का लैंड हो गया, फिर रोड्स का लैंड हो गया। इट इज यूज्ड इन मच ब्रॉडर सेंस, इसका इस्तेमाल एक बहुत ही बड़े सेंस में किया जाता है। इट इंक्लूड्स द मटेरियल्स एंड द फोर्सेस व्हिच नेचर गिव्स अस फ्री फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसके अंदर लैंड के अंदर वो सारी की सारी मटेरियल्स आ जाएंगे जिसको नेचर ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा है, जिसके जरिए हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं या गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दस द टर्म लैंड नॉट ओनली इंक्लूड्स द टर्म लैंड नॉट ओनली इंक्लूड्स लैंड इन ऑर्डिनरी सेंस ऑफ द टर्म बट ऑल्सो रिसोर्सेज लाइक वाटर, क्लाइमेट, सनशाइन, मिनरल्स एंड द
लाइक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ लैंड लैंड नहीं होता बल्कि वहां के आसपास की चीजें, उस पर पानी है या नहीं है, क्लाइमेट कैसा है, सनशाइन कैसा है, ये सारी की सारी चीजें मैटर करती हैं जब भी आप लैंड एक्वायर करने के लिए जाते हो फॉर योर प्रोडक्ट, फॉर योर प्रोडक्शन। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें, लैंड इंक्लूड्स नॉट ओनली द लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल पर्पस बट आल्सो ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज टेकन फ्रॉम अबव और बिलो द सॉइल। दस लैंड रिप्रेजेंट द सम टोटल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल टू द इकोनॉमी। ठीक है, वही बात बोली गई कि लैंड का मतलब ये नहीं होता कि वहां पे आप एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल कर सको, बल्कि उसमें वो सारी की सारी नेचुरल रिसोर्सेज आ जाएंगी जो कि लैंड के ऊपर या फिर लैंड के नीचे अवेलेबल होती हैं। इसीलिए लैंड रिप्रेजेंट करता है नेचुरल रिसोर्सेज टू द इकोनॉमी, उसके सारे नेचुरल रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। डिफाइंड इन दिस वे, सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। अगर इस तरीके से समझा जाए तो आप बोल सकते हो कि जो सप्लाई है लैंड का वो बहुत ही फिक्स्ड है। लैंड तो बहुत सारा है लेकिन आपके लिए कौन सा लैंड सही होगा, कोई भी लैंड तो लेने से नहीं होगा। इट इज प्रीडिटरमाइंड बाय नेचर एंड द मैन कैन नॉट ऐड टू इट थ्रू हिज ओन एफर्ट्स। तो लैंड जो है भाई वो तो फिक्स्ड है, नेचर ने जितना लैंड बनाया है उतना में ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, लैंड को आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, राइट। तो वही बात यहाँ पे बोलने की कोशिश की जा रही है कि मैन जो है इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकता अपने एफर्ट्स लगा करके। व्हाइल एन इंडिविजुअल कैन गेट मोर ऑफ लैंड बाय पेइंग फॉर इट, तो एक इंडिविजुअल को ज्यादा लैंड तभी मिलेगा जब वो उसके लिए पे करेगा। द सोसाइटी एज ए होल कैन नॉट इंक्रीज इट्स अवेलेबिलिटी, पूरी की पूरी सोसाइटी मिलकर के भी इसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि लैंड लिमिटेड है। लैंड हैज नो मोबिलिटी, लैंड को आप एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर के नहीं जा सकते। लैंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वही बात है, बट इट्स यूज कैन बी ट्रांसफर्ड, बट इसका इस्तेमाल जो है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। अ प्लॉट ऑफ लैंड कैन बी यूज ईदर फॉर पैडी और फॉर जूट, ठीक है ना। तो एक प्लॉट ऑफ लैंड है आपके पास जिसका इस्तेमाल आप पैडी के लिए भी कर सकते हो, आप यू नो क्रॉप्स के पैदावार के लिए भी कर सकते हो, या फिर आप जूट के प्रोडक्शन के लिए भी कर सकते हो। However, a transfer price is necessary. लेकिन अगर आप ट्रांसफर करोगे तो उसके लिए एक प्राइस आपको पे करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों ने करा जो कि है लैंड। अब चलते हैं दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरफ जो कि है लेबर। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट लेबर आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ लैंड लेने से नहीं होगा, उस लैंड पे काम करने के लिए आपको आपके पास लोग होने चाहिए जो कि आपके प्रोडक्ट को तैयार करेंगे। सो लेबर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो यहाँ पे, इन इकोनॉमिक्स द टर्म लेबर इज यूज्ड टू डिनोट एनी मैनुअल और मेंटल एक्टिविटी दैट इज अंडरटेकन इन एक्सचेंज फॉर अ पेमेंट, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स में लेबर का मतलब हो गया कि कोई भी मैनुअल या फिर मेंटल एक्टिविटी, मैं हाथ से कोई काम करूं, पैर से कोई काम करूं या अपने दिमाग से कोई काम करूं, ठीक है ना। जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो यहाँ पे मेरा मुंह चल रहा है, मेरे दिमाग चल रहा है, ये दो चीजें मैं चला रहा हूं और यहाँ पे मैं मुझे क्या मिलेगा, मुझे आप लोगों की तरफ से व्यूज वगैरह मिलेगा तो मेरा यहाँ पे थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा, राइट। मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे एक्सचेंज में मुझे क्या मिल रहा है, मुझे व्यूज मिल रहे हैं, मुझे आपका हेल्प मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक मेंटल एक्टिविटी कर रहा हूँ, एक मैनुअल एक्टिविटी भी कर रहा हूँ आप बोल सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे जुबान चला रहा हूँ, मुंह चला रहा हूँ, तभी मैं आपको समझा पा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे लेबर का मतलब वो हो गया दैट इज अंडरटेकन इन एक्सचेंज फॉर अ पेमेंट। अब यहाँ पे मैं तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल दे दिया। अब सपोज आपने ऑफिस में बैठ करके आप कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हो तो वहां पे आपके हाथ पैर तो बहुत कम चल रहे हैं, आपका दिमाग ज्यादा चल रहा है, तो उसके बदले आप क्या कर रहे हो, जब आप ऑफिस में काम करते हो तो उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं, तो आपको पैसे मिलते हैं तभी आप काम करते हो। तो लेबर का मतलब हो गया कि कोई भी काम जो कि मैनुअली या फिर मेंटल एक्टिविटी के थ्रू की जाती है इन एक्सचेंज फॉर अ पेमेंट। दिस कंसेप्ट ऑफ लेबर, अगर ये कंसेप्ट ऑफ लेबर जो है, हाउएवर इज कन्फाइंड टू ओनली ह्यूमन एफर्ट एंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स एंड मशीन्स इज नॉट कंसिडर्ड एज लेबर। तो ऐसा होता है भाई कि लोग जब काम करते हैं तो उनको पैसे दिए जाते हैं, जानवर काम करते हैं तो उनको पैसे नहीं दिए जाते हैं, राइट। तो ये जो लेबर का कंसेप्ट है ये सिर्फ इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है, क्योंकि जानवरों को हम बस खरीद लेते हैं और उनसे काम करवाते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इट इज नोटवर्दी दैट लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द पर्संस ऑफ द लेबरर एंड यूज्ड एज अ इनपुट। तो अगर देखा जाए तो ये लाइक नोट करने वाली बात है कि लेबर को आप किसी तरीके से इंसान से अलग नहीं कर सकते, लेबरर से अलग नहीं कर सकते और उसका इस्तेमाल एज ए इनपुट नहीं कर सकते, वो इंसान ही वो लेबर है, वो इंसान ही उस लेबर को करेगा, ठीक है ना। तो इसको आप हटा नहीं सकते हो, ये आपको दिमाग में रखना है। दिस इज टू से दैट लेबरर हैज टू सेल इट इन पर्सन। तो जो लेबरर होता है वो इन पर्सन आपको सेल किया जाता है, ना कि लेबरर का काम,
ठीक है ना, जैसे कि बोलते हैं ना कि 8 घंटे का पेमेंट आपको मिलता है, तो वो 8 घंटे का पेमेंट आपके लेबर के लिए मिल रहा है, लेकिन वो लेबर के आपसे अलग है, आप ही लेबर हो ना, आप ही लेबर हो, आप ही को पेमेंट मिलेगा। तो वही बात यहाँ पे बोलने की कोशिश की जा रही है कि दोनों को बाइफर्केट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अनदर फीचर ऑफ लेबर इज दैट इट्स परफॉर्मेंस कैन नॉट बी पोस्टपोन। ठीक है, तो लेबर का एक फीचर अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे ये है कि उनका जो परफॉर्मेंस है उसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। आप बाद में कुछ नहीं करवा सकते, उसी टाइम पे आपने करवाना है। अगर आप पैसे दे रहे हो तो आप डेफिनेटली उसी टाइम पे करवाओगे, तो आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। इफ अ लेबरर डज नॉट वर्क ड्यूरिंग वन मंथ देन द लेबर ऑफ दैट पीरियड कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन द फ्यूचर। अगर कोई लेबर है वो 1 महीने के लिए अगर काम नहीं करता है तो वो लेबर को इन फ्यूचर में उस काम को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उस काम को उसने नहीं किया तो फ्यूचर में वो काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसने उस काम को परफॉर्म नहीं किया, इसका मतलब है कि फ्यूचर में उसको उस काम को परफॉर्म करना पड़ेगा, है ना, लेकिन फ्यूचर में करना पड़ेगा। लेकिन जो 1 महीना है वो तो आपका पूरा बर्बाद गया, क्योंकि उसने कुछ काम किया ही नहीं, आप समझ रहे हो। तो उसको पोस्टपोन आप नहीं कर पा रहे हो, उस टाइम को आप पोस्टपोन नहीं कर पा रहे हो, वो टाइम तो आपका चला गया, उसने काम नहीं किया, उसने सैलरी ले ली, समझ रहे हो आप। तो उसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, फ्यूचर में उसको करना होगा, बट जो टाइम आपका चला गया वो घूम करके आपके पास वापस नहीं आने वाला। लेबर नॉट परफॉर्म्ड इज लेबर लॉस्ट फॉरएवर। ठीक है, लेबर अगर काम नहीं करता है तो उसका लेबर कंप्लीटली फॉरएवर के लिए लॉस्ट नहीं हो जाता, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। फॉर दिस रीजन द बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स टेंड्स टू बी लो एंड दे फ्रीक्वेंटली हैव टू एक्सेप्ट लो वेजेस और गो विदाउट एनी इनकम। और इसी कारण से समटाइम्स ऐसा होता है कि जो वर्कर्स होते हैं उनके पास बार्गेनिंग स्ट्रेंथ नहीं होता, वो बार्गेन नहीं कर पाते कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, उतने पैसे चाहिए इस काम को करने के लिए, मैं इतना पैसा लूंगी या लेंगे, है ना, इस तरीके से वो बार्गेन नहीं कर सकते। और फ्रीक्वेंटली ऐसा देखा जाता है कि वो बहुत ही लो वेजेस पे काम करते हैं विदाउट एनी, और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बिना किसी इनकम के भी वो लोग काम करते हैं, राइट। मोर ओवर दोज वर्कर्स हु डू नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम find themselves in a still weaker bargaining position. जिनके पास कोई other option नहीं होता है, वो still bargain नहीं कर पाते हैं और वो खुद को एक weaker, कमजोर bargaining position में महसूस करते हैं। क्योंकि देखो, अगर मेरे पास income ज़्यादा होगा, मान लो, और मुझे किसी ने हायर किया किसी काम को करने के लिए, तो मैं negotiation कर सकता हूँ ना, मैं bargaining कर सकता हूँ कि देखो मेरे पास करने को कुछ है, बहुत सारे काम है, अगर आप मुझसे ये काम करवाना चाहते हो तो मैं आपको इतना चार्ज करूंगा या करूंगी, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे बार्गेनिंग पावर आपकी है नहीं, बिकॉज क्योंकि आपका यहाँ पे कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, ठीक है ना। तो लेबर हो गया, अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट है कैपिटल। तो भाई ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बगैर कैपिटल आपने कुछ नहीं करना, बगैर कैपिटल आप कुछ कर ही नहीं सकते। बिना पैसे के आप ना लैंड ले सकते हो, ना लेबर अपॉइंट कर सकते हो, ना अपने काम को करा सकते हो। तो कैपिटल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो द टर्म कैपिटल रेफर्स टू दैट ग्रुप ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज व्हिच आर द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो कैपिटल एक तरीके से रेफर किया जा रहा है उन सारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को जो कि ह्यूमन लेबर से रिजल्टेंट होकर के निकल करके आती हैं। ठीक है, कैपिटल रिप्रेजेंट मैन मेड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। कैपिटल को यहाँ पे एज ए मैन मेड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की बात की जा रही है, यहाँ पे एज ए पैसे की बात नहीं की जा रही है, बल्कि जो चीजें आप तैयार कर रहे हो विद द ह्यूमन लेबर उसकी बात की जा रही है कि बगैर उसके आप इस काम को पूरा नहीं कर सकते। दे आर प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, तो ये एक तरीके से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करते हैं या फिर है आप बोल सकते हो, बिकॉज बगैर इसके प्रोडक्शन का काम पूरा नहीं हो सकता। व्हाइल लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर इन द सेंस दैट इट्स अवेलेबिलिटी इज देयर विदाउट स्पेंडिंग एनी लेबर ऑन इट, कैपिटल इज नॉट अ फ्री गिफ्ट इन दैट सेंस। ठीक है, जैसा कि हम बोल सकते हैं कि लैंड जो है वो फ्री है, हालांकि हमको एक्वायर करने के लिए कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं, बट ये फ्री है, ये नेचर के द्वारा आपको दिया गया है, आप पैसे दोगे आप लैंड ले लोगे। लेकिन लेकिन कैपिटल के केस में ऐसा नहीं है, कैपिटल कोई फ्री गिफ्ट नहीं होता, कैपिटल के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, कैपिटल के लिए आपको काफी हद तक जो है जूझना पड़ता है। सो कैपिटल इज इन अ वे अ फॉर्म ऑफ कंसील्ड और क्रिस्टलाइज्ड लेबर। तो कैपिटल जो होता है वो एक तरीके से क्रिस्टलाइज्ड लेबर होता है, एक डिफरेंट किस्म का लेबर होता है जिसका इस्तेमाल किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने में किया जाता है। इट अपीयर्स इन वेरियस फॉर्म्स सच एज प्लांट एंड मशीनरी। कैपिटल में आपका प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएंगे, रोड्स आ जाएंगे, ब्रिजेस आ जाएंगे। देखो, इन सब में पैसे लग रहे हैं, कैपिटल का मतलब स्टार्टिंग में पैसे लगाना ही होता है, बट इकोनॉमिक्स में इस जगह पे कैपिटल का मतलब है उस पैसे के जरिए जो चीजें आप खरीद रहे हो, जो चीजें आप बिल्ड कर रहे हो, वो आपके लिए कैपिटल है, वो आपके लिए कैपिटल है,
सिर्फ पैसे आपके लिए कैपिटल नहीं है, पैसा आपके लिए सिर्फ पैसा है जब तक कि आप पैसे को इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जब आप पैसे को इस्तेमाल करते हो ऐसे चीजों में जो कि जिसका बेनिफिट आपको कई लंबे समय तक मिलने वाला है, तो वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, वो आपके लिए कैपिटल जनरेट करता है। ठीक है, सो इट अपीयर्स इन वेरियस फॉर्म्स सच एज प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एंड सो ऑन, ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सोचना कि आपका बिजनेस अच्छे तरीके से चलेगा अगर आप इस काम को करोगे, इसके लिए आपको अंदर में साहस होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है, आप जो सोच रहे हो वो अनसर्टेन है, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये जो रिस्क आप लेते हो वही एंटरप्रेन्योरशिप का एक तरीके से कह सकते हो। इकोनॉमिस्ट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नेमली ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। तो इकोनॉमिस्ट बिलीव करते हैं कि जो फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटरप्रेन्योरशिप होता है, जो कि सप्लाई किया जाता है बाय एन एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल बाय देमसेल्फ कैन नॉट कम टुगेदर एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू प्रोडक्टिव प्रोसेस टू यील्ड आउटपुट। सिर्फ लैंड, लेबर या कैपिटल मिल करके किसी प्रोडक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते, या फिर आपको एक अच्छा आउटपुट नहीं मिल सकता जब तक कि वहां पे चीजें ऑर्गेनाइज वे में ना हो, जब तक कि कोई बंदा उस चीज को मॉनिटर ना करे, उस चीज में इनिशिएटिव ना ले। They have to be procured and put to work in a systematic and coordinated manner. तो इन सारे चीजों को, लैंड, लेबर, कैपिटल को आपको यहाँ पे क्या करना होगा, प्रोक्योर करना होगा और उसको सिस्टमैटिक एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर में उसको इस्तेमाल करना होगा। और वो काम कौन करता है, वो काम एंटरप्रेन्योर ही करता है अपने एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। मोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसेस आर टाइम कंज्यूमिंग, ज्यादातर जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। द एंटरप्रेन्योर प्रोक्योर्स द इनपुट्स एंड पेज फॉर देम इन एंटीसिपेशन ऑफ रिसीविंग लार्जर सेल्स प्रोसीड्स व्हेन द आउटपुट इज सोल्ड। एक एंटरप्रेन्योर प्रोक्योर करता है उन सारी चीजों को और ये एंटीसिपेट करता है कि भाई जो भी मैं चीजें कर रहा हूँ उसके बदले मुझे बाद में एक अच्छा लार्जर सेल मुझे रिसीव होगा, जहां पे मुझे मेरे आउटपुट्स बिकेंगे और मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा। इट इज द एंटरप्रेन्योर हु अज्यूम्स द रिस्क ऑफ लॉस एंड इट इज ही हु इज एंटाइटल्ड टू अ प्रॉफिट। वो एंटरप्रेन्योर ही होता है जो कि रिस्क को लेता है लॉस का, और वही होता है जो कि प्रॉफिट भी कमाता है, अगर कोई प्रॉफिट होता है तो, इफ देयर इज एनी। The job of the entrepreneur is particularly risky in an atmosphere of uncertainty. तो जो entrepreneur का काम है वो बहुत ही risky होता है uncertainty के केस में। So thank you everybody. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। अपना ख्याल रखो। Bye bye. Thank you.